हरकत नहीं होती ना, गुलाबी होठ होते हैं। तो मेरे भाई ने पर मुझे कॉल किया, बोला श्वेता तुम्हारे पास वो बेला वीटा का जो आता है लिप पिसकर वो रखा है? हमने कहाँ रखा है, मैं तुम्हें कुरियर कर दूंगी। क्या हुआ? कह रहा है उससे होठ तो गुलाबी हो जाते हैं ना, मेरे मुझे अपने होठ पिंक करने हैं, और वो भी मेरी तरह गोरा चिट्टा ही है, और उसके भी नॉर्मल, वो स्मोक वगैरह कुछ नहीं करता, उसके भी नॉर्मल लिप्स जैसे होते हैं लाइट पिंक वैसे ही है, नॉर्मल लिप्स है। तो उसको ये लगा कि मतलब बेला वीटा का प्रोडक्ट यूज़ करने से उसके लिप्स जो है मतलब जैसे बच्चों के पिंक लिप्स होते हैं ना वैसे हो जाएंगे। तो मैंने उसको समझाया, हमने कहा अरे मेरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता भाई मेरे, वो पिंक नहीं करता है लिप्स, वो केवल स्क्रब करता है, जैसे स्किन पे जैसे बर्तन पे मैल जम जाती है तो हम माँज माँज के उसको साफ करते हैं, वैसे लिप पे अगर मैल जमा हो गई या डेड स्किन जमा हो गई तो उसको स्क्रब करते हैं कि वो थोड़ा साफ सुथरा हो जाए। तो बहुत से लड़कों को लड़कियों को ये डाउट है, लड़कियों को तो नहीं, वो लड़की ऑटोमेटिक समझ जाती, लड़कों को बहुत डाउट है कि हम स्मोक किए और सुरती खाए, तंबाकू खाए, पान खाए और हमारे जो होठ काले हो गए हैं वो गुलाबी हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, नेचुरल कलर जो लिप्स का होगा वही होगा। इवन हम लड़कियां अगर इतने ही हमारे पिंक लिप्स होते तो हम लिपस्टिक क्यों लगाते, तो सोचने वाली बात है ना। पिंक लिप मतलब क्यों पिंक लिप्स के लिए मैं लिपस्टिक बना के वीडियो बनाती, मतलब मैं भी नॉर्मल बैठ जाती ना, लेकिन जो आपका कलर लिप्स का है वही रहेगा, चाहे जितना स्क्रब घिस जा रहा, चाहे जितना चुकंदर पोत मारो, चाहे जितना शकरकंद पोत मारो, वही कलर रहेगा। लेकिन हाँ अगर किसी रीजन से आपका काला हो गया तो पहले तो अपना बॉडी चेकअप कराइए, इंटरनल इशू होते पहले उसको क्लियर करिए, कि जैसे आंखें पीली हो जाती है तो पीलिया होता है ना, वैसे ही अगर होठ पे कुछ पिगमेंटेड यानी कुछ वो आपको लग रहा है कि कलर आपका डिफरेंस हो रहा है लिप्स पे, तो पहले बार डॉक्टर को दिखाइए, अपना बॉडी चेकअप कराइए। बेटा है कंपनी ने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है बट होठ साफ करने के लिए, होठों को गुलाबी करने के लिए नहीं। तो मैंने तो भाई को समझा दिया था, बाकी अपने सारे भाइयों के लिए मेरा वीडियो है, तो स्क्रब करिए, कॉन्टिन्यूस स्क्रब करेंगे तो जो गंदगी रहेगी लिप्स की वो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी, और होठ की ना गंदगी उससे एकदम साफ हो जाएगी, साफ सुथरे लिप्स हो जाएंगे। तो आप ज़रूर अप्लाई करिए, बेकार प्रोडक्ट नहीं है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इवन मैं भी यूज़ करती हूँ भैया, सर्दी में लिप बाम लगा लगा के तो होठ पे तो ऐसी जमा हो जाएगा ना मैल धूल मिट्टी, जैसे फर्श पे धूल मिट्टी जमा, तो हमें तो स्क्रब करना पड़ेगा ना, तो उस स्क्रब से तो दूर होगा। तो अगर वीडियो में थोड़ा सा भी समझ में आया तो ठीक है, और नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं सबका आंसर दे दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटा टाटा।